अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी मैं दीवानी हो गई। इन 7 सालों में कितना कुछ बदल गया ना दादी। कौन से बदलाव की बात कर रहे हो लल्ला? एक तो हमारी अच्छी खासी भागती दौड़ती दादी ऐसे व्हीलचेयर पे आ गई, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता दादी। उम्र के इस पड़ाव में ऐसा सब कुछ होता रहता है लल्ला। सच कहे तो तुम जब गए ना तो जीवन का उत्साह ही नहीं रहा, पर आ गए हो ना सब ठीक हो जाएगा। और कौन से बदलाव की बात कर रहे हो? पापा दादी, पहले हम उन्हें फूटी आंख निभाते थे, अब वो हमारा सपोर्ट करते हैं। और गर्व भैया जो पापा की इतनी इज्जत करते थे, आज उनसे ढंग से बात नहीं करते, उन्हें बेइज्जत करते हैं। जरूरत से ज्यादा प्यार और हर गलत बातों में पक्ष लेना, उसका ही नतीजा है ये। लेकिन पापा का स्वभाव भी बदल गया दादी, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उन्हें कमजोर देख के। कमजोर तो पड़ गया है वो, जब से दिल का दौरा पड़ा है। तन से ज्यादा मन से कमजोर हो गया है, और इन हालातों में तो क्या? दिल का दौरा? कब? कैसे? उसी दिन से गर्व अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगा, सबसे ऊपर मानने लगा। लेकिन हमें किसी ने बताया क्यों नहीं? उनको दिल का दौरा पड़ गया, हमें भी पता चलना चाहिए था ना दादी। पहले से इतने परेशान थे और कितना परेशान करते। सच बताया लल्ला, मदन ने मना किया था तुमसे बताने को, ताकि तुम परेशान ना हो। तुम्हारे जाने के बाद मदन टूट सा गया था, चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना करे, आखिर तुम उसके बेटे हो। सोचो एक बाप पे क्या बीतेगी जब उसका जवान लड़का जेल में चला जाए। इसी वजह से तो उसे दिल का दौरा पड़ा। चाहे वो कुछ बोलता नहीं है, पर बहुत प्यार करता है तुमसे। आप हमारे पापा इतनी चुप है, वरना वरना क्या? पार्थ कहीं नहीं जाएगा, पार्थ इस घर का बेटा है। जिसको भी पार्थ से प्रॉब्लम है या फिर पार्थ से डर लगता है, वो ये घर छोड़कर जा सकता है। भाभी जरा देख लीजिए, ये ठीक है ना? अच्छा लग रहा है? ये सब छोड़ो मंजू, पहले हमें ये बताओ प्रज्ञा को फोन किया कि नहीं? कब आ रहे हैं वो लोग? बड़े भाई की शादी है, उनसे कहना कि समय लेकर आए। बोल दिया है, दामाद जी को भी बोल दिया है, और प्रज्ञा तो इतनी एक्साइटेड है कि क्या बताऊं मैं आपको। सच बात है, ऐसे समय में घर की बेटियों की खली महसूस होती है। उसे बोलना 15 दिन का सामान बांध कर आए। कैसी बात कर रही हैं आप अम्मा जी? 15 दिन के लिए दामाद जी की सेवा कौन करेगा? हमसे तो ना हो पाएगा। हम और बड़ी बहू जिंदा है, हम संभाल लेंगे। ठीक है फिर, बुला लेते हैं अम्मा, तैयार रहिएगा आप लोग। अरे जल्दी कीजिए सब, मीरा आती होगी, लेट हो रहा है। लो जी, इनसे तो रुका ही नहीं जा रहा है। बेटा जी, खुशियों को थोड़ा थम थम के आने दीजिए। मीरा को कहीं भाप लग गई ना तो अभी से ही जोरू का गुलाम बनाकर रख देगी। और क्या, और फिर आगे इन्हीं खुशियों के लिए तरसोगे आप, समझ रहे हो भैया? हे भगवान, क्या आपने सच में मीरा के नसीब में गर्भ लिखा है?
मीरा भी तो चुपचाप सगाई के लिए तैयार हो गई। सब कुछ बताने के बावजूद कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं किया उसने। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे लल्ला की खुशी के लिए हम क्या करें। अरे पार्थ, ये क्या? अभी तक तैयार नहीं, सब लोग आते ही होंगे। हम तैयार हैं माँ। ये कैसे तैयार है? ढंग के कपड़े तो पहन लेता बेटा। ठीक तो है माँ। इसे हमारी खुशियों में खुश नहीं होना होता ना माँ। बस कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है कि सबका दिमाग खराब हो जाए। भाई ऐसा क्या कर दिया हमने? हमारी सगाई है, इतना बड़ा फंक्शन है, इंपॉर्टेंट लोग आने वाले हैं, और ये क्या पहना है इन्होंने? हाँ तो अच्छा सा ऐसे नहीं, क्या फॉर्मली पहन सकते थे? आपकी सगाई है भैया, आप सजो धजो, हम ऐसे ही ठीक हैं। यानी कुल मिला के तुम्हें सबका अटेंशन चाहिए। भीड़ में सबसे अलग दिखता है, चाहे खराब ही क्यों ना दिखो। अटेंशन तो हमें ही मिलता है भाई, क्योंकि जेल जाके आए हैं ना। और आप फिक्र मत करो, आपकी सगाई है, अटेंशन आपको भी मिलेगा। हाँ हमारी सगाई है, तुम्हारी हो भी नहीं सकती। फिर पागल ही होगी जो तुम्हारे जैसे क्रिमिनल माइंड वाले से शादी करेगी। चुप करो। ये क्या तरीका बात करने का? बार बार इस तरह की बातें करोगे तो तुम में और बाहर वालों में क्या फर्क रह जाएगा? यानी आप इसका साथ देंगे? गलत बात थी। क्या गलत बोला हमने? पार्थ जो पहनना चाहता है वो पहनेगा, जो उसकी मर्जी है वो करेगा। दोनों भाई हो, आपस में मिलकर रहो। इतना बड़ा फंक्शन है आज घर में, इस तरह की बातें करोगे उससे बेहतर है कुछ सामंजस्य बना के रखो। इस तरह की बातें अगर बाहर वालों ने सुन ली क्या सोचेंगे हमारे बारे में? एक बाप पे क्या बीतेगी जब उसका जवान लड़का जेल में चला जाए? चाहे वो कुछ बोलता नहीं है पर बहुत प्यार करता है तुमसे। I'm sorry बाबा। अरे लोग आना शुरू हो गए, देखो बस हो गया तुम लोगों का। अब सगाई पूरी होने तक कोई झगड़ा नहीं होगा इस घर में। हम मेहमानों का स्वागत करते हैं। अंगूठी कमरे में भूल गए क्या? भाभी आ गए, लड़की वाले आ गए। हाँ पार्थ बेटा, वो अंगूठी ऊपर भूल आए, प्लीज ले आओ। मीरा के घर वाले आ चुके हैं ना, हम आरती उतारते हैं। जी लाइए थाली। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए आइए। नमस्ते, कहाँ है हमारी दुल्हनिया? अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर।
बड़ी प्यारी लग रही हो। आइए। दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? देखो ना, आप यहाँ अपने लहंगे के लिए मरी जा रही हैं, और लगता है ये महाराज तो परमोड़े में ही फेरे लेंगे। चुप करो बेटू, पर जरा देखिए ना दीदी, सगाई के दिन ऐसे कपड़े कौन पहनता है? और उस तरफ गर्व को देखिए, कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी ही सगाई है। बिट्टू, हमें उनके कपड़ों से क्या लेना देना? हम जिसके दीवाने हैं वो उनकी शख्सियत है, कपड़ों और रहन सहन से क्या। अगर तुम उन्हें हमारी नजर से देखोगी तो वो तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे, चाहे उन्होंने कुछ भी पहना हो। मेरा बेटा, हमने सुबह जो कहा वो मीरा, इधर आओ, जरा हमारी बात सुनो। सगाई की रस्म शुरू करनी है ना? चलो खुश रहो मेरे बच्चा, जाओ बेटा, जल्दी दीदी ऊपर जाओ। आओ। पार्थ, चलो। देर क्यों कर रहे हो? अंगूठी पहना भी दो। जी जी सच में जी,
आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप भी हमसे शादी करना चाहते हैं? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? है तो अभी भी बता दो। अम्मा जी, हम सोच रहे हैं कि क्यों ना मीरा को इस घर की बहू बना ले। ठाकुर परिवार की बहू बनने में तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? वो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप भी हमसे शादी करना चाहते हैं? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्यों ना मीरा को आप भी हमसे शादी करना चाहते हैं? परिवार की बहू भी हमसे शादी करना चाहते हैं? पूछना चाहते हैं कि क्यों ना मीरा को आप भी हमसे शादी करना पूछना चाहते हैं कि मीरा, 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 मीरा बेटा, उठो। मीरा, उठो ना बेटा। मीरा बेटा, इसे क्या हो गया? अरे ये दुल्हन को क्या हो गया? ये बेहोश कैसे हो गई? लगता है कि दुल्हन की तबीयत खराब है। कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है? आंटी, अचानक क्या हो गया इन्हें? अभी तो ठीक थी। लो जी, ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। मतलब ठाकुर खानदान में तो ऐसे ड्रामा चलते रहते थे, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दुल्हन को दूल्हा पसंद नहीं आया और बिचारी बेहोश हो गई। मंजू, मेरा मतलब है छाया जी, आपने मीरा और गर्व की सगाई को लेकर मीरा की रजामंदी तो ली थी ना? मीरा, मीरा उठो बेटा, जल्दी कोई पानी लाओ। सुनी, अरे डॉक्टर साहब को फोन लगाइए ना। हाँ हाँ बहन जी, रुके, मैं डॉक्टर को फोन करूँ। हाँ हाँ भाई साहब, कीजिए। जा बेटा, आंखें खोलो। सब क्या हो रहा है? इतनी बेइज्जती। आंटी, आप रहने दीजिए, गर्व भैया को हम संभाल लेंगे, आप उधर संभालिए। मुझे लगता है कि गर्व परेशान है। लल्ला, मीरा को कमरे में ले जाओ, हम गर्व को देख लेंगे। जी दादी। एक मिनट, हम अपनी बच्ची को संभाल लेंगे। सुनिए, जरा आइए। मीरा बेटा, मीरा, मीरा बेटा, मीरा बेटा, उठो, उठ जा बेटा। सुनिए, आपसे नहीं होगा, हम लेके चलते हैं, और आप हमारे साथ चलिए। छोड़ दो, हाथ छोड़ दो। दीवानी।